do is be with you. Always be the light things unused. So hello my dear friends, how are you all? तो आज जैसे कि आप थंबनेल चेक करके वीडियो पे आए हो कि रेस्टरूम्स, वॉशरूम्स, एयरप्लेन के, प्लेन्स के, फ्लाइट्स के कैसे होते हैं, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा यूज़, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लाइक जो भी स्टफ़ होता है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। साथ के साथ एक फ़नी इंसिडेंट है, वो भी मैं शेयर करूंगा जो मेरे साथ एरोप्लेन में, रेस्ट रूम में हुआ था। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, लाइक अगर कोई आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है जो जा रहे हैं बाहर, उनको ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा, ज़रूर शेयर करवाइएगा, उनको वॉच करने के लिए बोलिएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। और अगर नए हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो और जैसी वीडियो आप बोलोगे बस कमेंट करो यार, वैसी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये अभी ग्रीन कलर का है, इसके मतलब ये अभी वैकेंट है, खाली है। अगर इसके अंदर कोई होगा तो ये रेड कलर का होगा। तो अभी पुश करते हैं, यहाँ से डोर ऐसे होता है ओपन, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी कहाँ से स्टार्ट करें, ओके सो अभी है, सबसे पहले डोर क्लोज करो और ये इस साइड करना होता है। तो अभी लॉक हो गया और इसकी लॉक होते ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो गई है, ठीक है, तो लाइट ऐसे ऑन हो जाती है और ये अभी हमें लॉक कर दिया है, ठीक है। जैसे कि उसने बताया, साइड में आप देख सकते हो कि लॉक का निशान है और एरो का है कि उस साइड करो, लॉक हो जाएगा। सो लाइट भी ऑन हो गई है, इधर मैं हूँ, हैंडसम बॉय लटेंटन। तो काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था एरोप्लेन का, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से वॉइस बाद में डाल दूंगा इसमें, ठीक है। तो इधर जैसा कि आप देख सकते हो, नो सीक्रेट डिस्पोजल, सीक्रेट्स वगैरह होती हैं, स्मोक करते हैं लोग, तो इसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग डाल देते हैं, तो इसमें हम डालते हैं टिश्यू पेपर डिस्पोजल डालने के लिए, तो उसमें फिर आग लग जाती है, ठीक है। जैसे ये फेस वाइप्स हैं, ठीक है, तो अगर इसमें सीक्रेट डाल दी तो भाई पेपर है, आग लग गई। तो सो अब अगर बात करें यहाँ पे, तो टैप है, फॉसेट बोल सकते हो आप, ठीक है, गर्म ठंडा पानी आता है, सिर्फ हमें साइड करना है। और ये है हमारा लाइक जो हमारे हैंड टिश्यू पेपर्स होते हैं, इनको टॉवल टिश्यू भी बोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एज अ टॉवल यूज़ होते हैं हाथ साफ करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने सोप दे रखा है, ठीक है, हैंड वॉश दे रखा है। अब उसके बाद बात करते हैं हम सॉकेट्स की, तो यहाँ सॉकेट अवेलेबल है। इधर हमने अगर कुछ चार्जिंग पे लगाना हो 220 वोल्ट का, जैसा कि हमारा इंडियन होता है, ठीक है, तो हम 220 वोल्ट का यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं अपना चार्जर वगैरह। जैसे कि देखो फेशियल टिश्यूज़ मैंने बताया था ना, तो ये वो हैं वाइप्स होती हैं जो वेट होती हैं, गीली होती हैं हल्की हल्की, और ये होते हैं टॉवल्स, ठीक है, ये हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए, तो ये सूखे होते हैं थोड़े से। तो उसके बाद अभी अगर हम बात करें, तो आती है हमारी टॉयलेट सीट। अब टॉयलेट सीट के ऊपर है ये बेबी सीटर। अभी यहाँ पे क्या होता है, कई बार बच्चे पॉटी वगैरह फिर जो भी कर देते हैं, ठीक है, डायपर वगैरह उनके चेंज करने हो, तो ये बोर्ड ऐसे खुल जाता है, ठीक है, और बच्चों का यहाँ पे बिठाओ आराम से, उनके डायपर वाइपर करो भाई चेंज, हाँ ठीक है, अपने भी कर सकते हो, मतलब अगर कोई डालता हो, मतलब समझ रहे हो, चलो ठीक है। तो इस तरीके से लॉक हो जाता है, बंद होके वापस इसको ऊपर कर दो, ठीक है। उसके बाद इधर ये कोई अलमीरा नहीं है जिसको मैं पकड़े हुआ था, ये बैठ के बस ऐसे ही होल्ड करने के लिए है कि अगर सीट पे बैठते हो तो भाई पकड़ के बैठ जाओ, पता नहीं क्यों। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको टॉयलेट सीट प्लेन के अंदर। और इसमें साथ के साथ लिखा है कि कुछ कचरा, फिर कुछ भी इसके अंदर, टिश्यू पेपर, कोई भी सिगरेट वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद इधर ये होते हैं पेपर बैग्स। सो अगर किसी को वॉमिटिंग वगैरह आती है, ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह आती है तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि और फिर आप आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट सीट पे नहीं करनी, ठीक है, या फिर कहीं भी, तो कैसे करोगे, तो इन पाउचेज़ में आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है ट्रैवलिंग के टाइम, उनको वॉमिट आती है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है टिशू पेपर्स की। ये नॉर्मल टिशू पेपर्स हैं जो लाइक हम पानी से साफ़ करते हैं और गोरे लोग ऐसे साफ़ करते हैं, ठीक है, तो ये पानी बचाने के तरीके हैं। तो ये टिश्यू पेपर हैं, इन्होंने दो लगा रखे हैं, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा रोल ले लो, ठीक है, तो ये भी बढ़िया है। उसके बाद अभी क्या बताएं,
हाँ अब देखो ये मैंने प्रेस किया और अभी मुझे बड़ी फनी बात आई, तो वो सुनो। तो दोस्तों ये होता है इमरजेंसी बटन और मुझे पता नहीं था। तो अगर आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है, कुछ आप लॉक हो जाते हो, कुछ भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप ये इमरजेंसी बटन दबा सकते हो। अब इसके करते ही क्रू मेंबर्स और जैसे कि एयर होस्टेस वो आ जाते हैं। तो मैं वीडियो के चक्कर में मैंने तो इसको कर दिया प्रेस और वो बाहर से, सर सर आर यू फाइन, वी आर ट्राइंग टू ओपन। मैं क्यों भाई मत खोलो। ठीक है, मेरे से गलती से प्रेस हो गया था बटन। बोले ओके सर, ओके ओके नो प्रॉब्लम। मैं कि यार आज तो हो गया था काम। सो इन बटन्स को ध्यान से देखना, ठीक है, मेरे से हो गया, आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं टॉयलेट सीट की। इनमें होता है वैक्यूम होता है और बहुत तेज़ ये एकदम खींच लेता है, ठीक है, और पानी भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें वैक्यूम होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसकी। उसके बाद ये टिश्यू पेपर ले ओ, ठीक है। जब भी आप टॉयलेट सीट यूज़ करो तो एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, ठीक है, और अपने आप की सेफ्टी। बट टिश्यू पेपर मैं जब भी पब्लिक प्लेस पे कभी भी यूज़ करता हूँ तो मैं पहले टिश्यू पेपर उस सीट पे लगाता हूँ, ठीक है। कमेंट करो कौन कौन लगाता है, मेरे से तो यार ऐसे कैसे भाई, कौन बैठे ऐसे, क्या पता कौन कौन बैठा होगा, किस किस ने रखा होगा, हम नहीं बैठ सकते ऐसे। तो उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस साइड ठंडा पानी आएगा, इस साइड गर्म, और ये एक बार प्रेस करने के बाद ना देखो पानी बचेगा ना ऐसे, तो अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो प्रेस ऐसे करना पड़ता है, तो गर्म ठंडा ब्लू और रेड कलर का वही साइन जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने हैंड वॉश कर लिया क्योंकि अभी टिश्यू पेपर मैंने यूज़ किया ना। सो इधर आ गया फिर से क्यूट बच्चा। तो ये जो टिश्यू पेपर होते हैं, जैसे कि मैंने होता है वेट टॉवल्स उनको बोलते हैं, ठीक है, हल्के हल्के से। सो इससे अभी मैंने अपना फेस साफ़ किया है क्योंकि यार 24 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक है, मतलब 5 घंटे वहाँ रुके थे, इतनी बार मैंने तो मुंह साफ़ कर लिया है बिना नहाए और बिना ब्रश करे, वो ब्रश भी उसमें ही है, तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। सो बाय गाइस, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।